बिहार लाइव सेवन खबर की तह तक। हैप्पी किड्स स्कूल की तरफ से आप सभी को दीपावली एवं छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। गया शहर के मगध कॉलोनी रोड नंबर 12 में स्थित हैप्पी किड्स स्कूल में दीपावली पर्व से पहले रंगोली सह दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। रंगोली सह दीपोत्सव कार्यक्रम में बच्चों ने अपने अपने घर से अलग अलग रंग बिरंगे दीप लेकर स्कूल पहुंचे, तो वहीं स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं ने बच्चों के साथ एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता रश्मि शर्मा ने स्कूल के बच्चों का रंगोली सह दीपोत्सव कार्यक्रम का निरीक्षण किया एवं बच्चों को कई जरूरी निर्देश दिए, तो वहीं बच्चों के साथ रंगोली बनाने का काम भी किया। इस मौके पर रश्मि शर्मा ने कहा कि हैप्पी किड्स स्कूल में आकर ऐसा महसूस हो रहा है कि यह एक सुसज्जित और बच्चों के लिए बेहतर संस्कार के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाली संस्थान है। यहाँ के बच्चों से मिलकर ऐसा लगा मानो ये बच्चे 2 से 5 साल के नहीं बल्कि अधिक उम्र के बच्चों को पीछे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। रंगोली सह दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर स्कूल के निदेशक पत्रकार विक्रमादित्य कुमार एवं प्रिंसिपल पूजा केसरी ने कहा कि हैप्पी किड्स स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हर वो कार्य कर रही है जिससे बच्चे भविष्य में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहें। आज के दौर में शिक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिक्षा के साथ साथ बेहतर संस्कार और व्यवहारिक ज्ञान का होना आवश्यक है, तो वहीं धर्म एवं आध्यात्मिक की जानकारी बच्चों को शुरुआती दिनों से देना बेहद ही जरूरी है। हैप्पी किड्स स्कूल बच्चों को बेहतर संस्कार के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जाना जाता है। आज मैं आई हैप्पी किड्स में तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के टीचर्स, यहाँ के डायरेक्टर सारे इतने अच्छे हैं कि मैं बता नहीं सकती। इतनी अच्छी तरह से बच्चों का देख रेख ये लोग करते हैं, केयर कर रहे हैं। बच्चे इतने डिसिप्लिन है, और है ये छोटा सा स्कूल लेकिन इतना प्रॉपर मैनेजमेंट यहाँ का अच्छा है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और मगध कॉलोनी में इतना अच्छा स्कूल मुझे तो नहीं लगता कि कोई और होगा। बहुत ही अच्छा स्कूल है, और मेरी शुभकामना है कि ये स्कूल बहुत आगे बढ़े। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ के टीचर्स ने काफ़ी कुछ अच्छे से मतलब अच्छे तरीके से बच्चों को सिखाया। बहुत अच्छा लगा मुझे। अभिभावकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे स्कूल विजिट करने के बाद? मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाइए, वहाँ देखिए, वो स्कूल बहुत अच्छा है। वहाँ के टीचर्स बहुत केयरिंग हैं, वहाँ सारी सुविधाएं हैं, बच्चे आपके सेफ हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चों का यहाँ एडमिशन कराएं, ये स्कूल बहुत ही अच्छा है। आज हैप्पी किड्स स्कूल में दीपावली से पहले दीप महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों ने अथक प्रयास से बच्चों को ये बात बताया था कि आखिर किस तरीके से बच्चे दीप का पेंटिंग करें, कैसे दीप को खूबसूरत बनाएं, और दीपोत्सव क्यों मनाया जाता है, दीपावली क्या है, दीपावली की इतिहास क्या है, ये तमाम बातें जो हैं मैम लोगों ने बच्चों को बताया था। और जिस तरीके से आज दीप महोत्सव में बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, मतलब कह सकते हैं कि अभिभावकों ने खास करके जिन मम्मियों का सहयोग रहा कलर करने में दीप को, उन सभी माताओं को हम मतलब अपने ओर से अपने स्कूल की ओर से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे स्कूल के इस मिशन को, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप जो है मेहनत किए, बच्चे को कलर करने में मेहनत किए। और हम कहना चाहेंगे कि हैप्पी किड्स स्कूल जिस मकसद के साथ मगध कॉलोनी रोड नंबर 12 में खुली थी, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि उस मकसद के साथ आगे बढ़ रही है, और अभिभावकों का अपार जो है हमें सहयोग मिल रहा है। जो हैप्पी किड्स स्कूल का पिछले कई महीनों में जिस तरीके से उछाल कर सकते हैं, जिस तरीके से बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हैं, वो आप अभिभावकों का जो है मतलब आशीर्वाद का असर है, और यहाँ के जो शिक्षक हैं उनकी मेहनत का असर है। हैप्पी किड्स स्कूल की तरफ से हम तमाम अभिभावकों को एवं बच्चों को दीपावली एवं छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामना देना चाहते हैं, और बताना चाहते हैं कि ये दीपावली जो है दीपों का त्यौहार है, लेकिन एक बात से जरूर बचना है कि प्रदूषित माहौल न हो, हम लोगों का वातावरण प्रदूषित न हो, और बच्चों को खास करके जो बारूद वाली पटाखा है उससे दूर रखें। इसमें बच्चों को धर्म अध्यात्म की बातें बताएं, छठ पूजा में खासकर बहुत शिरकत कराएं बच्चों को, क्योंकि लोक आस्था का बहुत बड़ा पर्व है छठ। बिहार के लोग इसे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अभिभावक अपने अपने बच्चों को धर्म की बात बताएंगे, और छठ की जो महत्ता है उसे बताएंगे, छठ का क्या जो है कैसे करना चाहिए, छठ की क्या मतलब महानता है, क्यों छठ शुरू हुआ है, ये बात आप सभी अभिभावक बताएंगे। आप सभी अभिभावकों को ढेर सारी शुभकामना। हैप्पी दिवाली, हैप्पी छठ।